नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। तो देखा आपने किस तरह सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का होली पर आने वाला गाना किस तरह से लोगों के जहन में अभी से उतरने लगा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब खेसारी का गाना आए और वो इस गाने को देख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। दोस्तों दूसरी खबर रिलेटेड है हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे कहे जाने वाले सुपरस्टार पवन सिंह से रिलेटेड। दोस्तों पवन सिंह एक ऐसे सितारे हैं जिन्होंने काफी कम वक्त में इंडस्ट्री में एक अहम मुकाम बना लिया है। सुपरस्टार पवन सिंह आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक आइडल माने जाते हैं। गायकी, अभिनय और इनके एक्शन के अंदाज की दुनिया कायल है। शायद यही वजह है कि सुपरस्टार पवन सिंह को आज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा माना जाता है। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्में धमाल मचाती हैं, इंटरनेट पर भी, बॉक्स ऑफिस पर भी। कहीं ना कहीं पवन सिंह की फैन फॉलोइंग सिर्फ अब भोजपुरी मिट्टी तक ही सीमित नहीं रह गई है, अब इनकी फैन फॉलोइंग भारत से बाहर भी पसंद की जाने लगी है। इनके सुपरहिट गाने लॉलीपॉप लागेलू को हर जगह दर्शक पसंद करते हैं, यहां तक कि विदेशों में भी इस गाने का डंका बच गया है। जानकारों ने भी ये कहा है कि सुपरस्टार पवन सिंह का ये गाना लॉलीपॉप लागेलू एक एनर्जेटिकल गाना है और कहीं ना कहीं सुपरस्टार पवन सिंह की खासियत भी यही है कि अगर ये किसी भी गाने को गा दें तो वो गाना एक बम्पर हिट साबित हो जाता है। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह का इन दिनों उनकी आने वाली फिल्म मां तुझे सलाम के लिए एक एक्शन स्टंट जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह बाइक पर लटके हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक्शन स्टंट इतना खतरनाक है कि जमीन से कई फुट ऊपर सुपरस्टार पवन सिंह ये एक्शन सीन कर रहे थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एक्शन सीन लोगों को कितना पसंद आता है। हालांकि शूटिंग की फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो रही है, लाखों लोगों द्वारा इस फुटेज को देखा जा चुका है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि सुपरस्टार पवन सिंह का ये अंदाज जो है वो लोगों को काफी पसंद आएगा और ये एक्शन स्टंट भी लोगों को पसंद आने वाला है। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह की आने वाली फिल्म मां तुझे सलाम में एक एक्शन स्टंट जो है वो कैसे वायरल हो रहा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को दर्शकों का सबसे चहेता सितारा माना जाता है। उनकी फिल्में जब भी सिनेमा घरों में दस्तक देती हैं, दर्शकों का दीवानापन देखते ही बनता है। अक्सर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इन दिनों एक बार फिर खेसारी भैया सुर्खियों में है और उनके सुर्खियों में रहने की वजह भी कुछ खास है। दरअसल सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आने वाली होली के मौके पर अपने गाने की शूटिंग कर रहे हैं और शूटिंग की कुछ तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। बता दें कि इस गाने के बोल हैं रंग लगा के चल जाए। आपको बता दें कि हर साल सुपरस्टार खेसारी लाल यादव होली पर निकाले गए अपने एल्बम से लोगों के साथ जमकर धमाल मचाते हैं और लोगों को इनके एल्बम्स काफी पसंद आते हैं। ऐसे में अब ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि खेसारी का ये आने वाला होली का एल्बम लोगों को कितना पसंद आता है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म दबंग सरकार की शूटिंग में व्यस्त हैं। तो देखा आपने किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह की आने वाली फिल्म मां तुझे सलाम का एक्शन स्टंट जमकर वायरल हो रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि फिल्म एक बार फिर से सुपरहिट साबित हो। हालांकि इस फिल्म की रिलीज डेट अभी तक बताई नहीं गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 15 अगस्त के आज़ादी के मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। यानी कि एक बार फिर से सुपरस्टार पवन सिंह धमाकेदार फिल्म लेकर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर रिलेटेड है हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी से रिलेटेड। दरअसल सुपरस्टार खेसारी और काजल को इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक माना जाता है। इनकी जोड़ी को इंडस्ट्री की बड़ी जोड़ियों में से एक माना जाता है। इन्होंने साल 2017 में बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में एक साथ दी हैं। चाहे हम बात करें मेहंदी लगा के रखना की या फिर हम हैं हिंदुस्तानी की। उसके बाद फिल्म मुकद्दर आई जिसमें एक लव ट्रायंगल था शमीन खान, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच में। ये लव ट्रायंगल लोगों को काफी पसंद आया और खेसारी और काजल की जोड़ी ने एक बार फिर दिखा दिया कि ये जोड़ी क्यों इंडस्ट्री की बड़ी जोड़ियों में से एक मानी जाती है, क्यों इंडस्ट्री की सुपरहिट जोड़ियों में से एक मानी जाती है। दरअसल इन दिनों सुपरस्टार खेसारी और काजल का एक और आने वाली फिल्म नागदेव की काफी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल नागदेव फिल्म में सांपों से रिलेटेड कहानी
दिखाई जाएगी और इस फिल्म में जमकर VFX और एक्शन सीन्स की भरमार रखी जाने वाली है। दरअसल खेसारी और काजल एक बार फिर ये जोड़ी नजर आने वाली है इस फिल्म में। आपको बता दें कि फिल्म दुल्हन गंगा पार की भी जल्दी ही आने वाली थी, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को फिलहाल आगे बढ़ाया जा रहा है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होना था 17 जनवरी को, लेकिन किसी कारणवश ट्रेलर की रिलीज डेट भी टल चुकी है। लेकिन अब नागदेव में एक बार फिर खेसारी और काजल आने वाले हैं। अब खेसारी और काजल अगर किसी फिल्म में नजर आएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फिल्म कितनी बड़ी सुपरहिट साबित हो जाएगी। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे फिल्म नागदेव से धमाल मचाने वाले हैं खेसारी और काजल। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह को दर्शकों का सबसे चहेता सितारा माना जाता है। उनकी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देते ही धमाल मचाती हैं और अक्सर सुपरस्टार पवन सिंह सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इन दिनों पवन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर पवन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शूटिंग के वीडियो को इंटरनेट पर लाखों लोग देख चुके हैं और लाखों लोगों को भी पता चल रहा है कि स्टार्स उनके एंटरटेनमेंट के लिए कितनी मेहनत करते हैं। खबरों के मुताबिक यह खतरनाक स्टंट उनकी आने वाली फिल्म मां तुझे सलाम का है। आपको बता दें कि इस वीडियो में पवन बुलेट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, खासे गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं वो। आपको बता दें कि शूटिंग पर पवन सिंह ने बुलेट भी कुदवाई और दो और इनकी फिल्म सिनेमा घरों में धमाल भी मचाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पवन की शूटिंग का ये वीडियो और कितने लोगों को पसंद आता है। तो देखा आपने किस तरह सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी एक साथ नजर आएंगे फिल्म नागदेव में। उम्मीद यही की जा रही है कि ये फिल्म एक बार फिर सुपरहिट साबित हो जाएगी। दोस्तों इस खास एपिसोड में सबसे पहले तो हमने आपको बताया किस तरह होली के मौके पर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गाना धमाल मचा सकता है, और उसके बाद हमने आपको बताया किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह की आने वाली फिल्म मां तुझे सलाम में एक बाइक खतरनाक स्टंट दिखाया जाएगा और ये वायरल भी हो रहा है। उसके बाद हमने आपको बताया किस तरह फिल्म नागदेव की चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें सुपरस्टार पवन सिंह और काजल राघवानी एक साथ एक बार फिर नजर आएंगे। तो दोस्तों इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी भोजपुरी सुपरस्टार्स की अन्य खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल Next9 News भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और हॉट एक्ट्रेस काजल राघवानी इन दिनों एक साथ एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं और उनके सुर्खियों में रहने की वजह भी कुछ खास है। दरअसल सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर फिल्म नागदेव में एक साथ नजर आने वाली है। खबरों के मुताबिक सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी जल्द ही फिल्म नागदेव की शूटिंग शुरू करेंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म में VFX का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और ये फिल्म एक महंगे बजट वाली फिल्म होगी। खास बात यह है कि बीती सारी फिल्में खेसारी और काजल की सुपरहिट साबित हुई हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या कमाल दिखा पाती है। आपको बता दें कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की एक और फिल्म इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और इस फिल्म का नाम है फिल्म दुल्हन गंगा पार के। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज इसी महीने होना था, लेकिन किसी कारणवश इस फिल्म की रिलीज डेट टाल दी गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नागदेव कब तक शूटिंग कम्प्लीट होने के बाद फ्लोर्स पर आती है और दर्शकों को कितना पसंद आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं Next9 News भोजपुरिया और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त अभिलाष पांडे। इस खास एपिसोड में हम बात करते हैं सुपरस्टार से जुड़ी उन खबरों के बारे में जिनसे आप रूबरू नहीं हो पाते। चलिए शुरुआत कर देते हैं अपनी पहले सुपरस्टार की खबर से। दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे चहेता सितारा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को कहा जाता है। इनकी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देते ही धमाल मचाती हैं और अच्छी खासी कमाई करती हैं। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का मौजूदा समय में नाम कुछ ऐसा है कि इंडस्ट्री का हर छोटा बड़ा सितारा उनके साथ काम करना चाहता है। हर एक्ट्रेस का ख्वाब होता है कि वो एक ना एक बार खेसारी के साथ फिल्में जरूर करें। खेसारी अक्सर सुर्खियों में भी बने ही रहते हैं। अब सुर्खियों में उनकी रहने की वजह अलग अलग होती हैं, लेकिन इन दिनों एक बार फिर एक अलग वजह सामने आई है। दरअसल सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक होली का एक गाना शूट हो रहा है इन दिनों और उसमें उनकी शूटिंग की एक फुटेज वायरल हो रही है। इस शूटिंग की फुटेज को इंटरनेट पर लाखों लोगों द्वारा देखा जा चुका है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जब भी ये गाना रिलीज किया जाएगा ये गाना बड़ा सुपरहिट साबित होगा।
आपको बता दें कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के गाने जब भी होली दिवाली या किसी भी त्यौहार के मौके पर रिलीज होते हैं तो वो गाने सुपरहिट साबित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह खेसारी का ये गाना भी एक बार धमाल मचा सकता है, क्योंकि जब इसकी शूटिंग की फुटेज अच्छे ढंग से देखी जा रही है लोगों की नज़रों में, तो कहीं ना कहीं इनका ये गाना भी एक बड़ा हिट गाना साबित हो सकता है। आपको बता दें कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने जब हाल ही में नए साल के मौके पर एक गाना निकाला था, वो गाने को भी इंटरनेट पर करीब 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो यानी कि इंटरनेट पर खेसारी के गाने भी सनसनी मचाने लगे हैं। शायद इसी वजह से खेसारी को दर्शकों का सबसे फेवरेट सितारा माना जाता है। शायद यही वजह है कि खेसारी सबसे बड़े सितारे माने जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में किस तरह सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गाना इन दिनों इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, उसकी शूटिंग फुटेज भी वायरल हो रही है।